गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ फ्रेंड। तो यह इंग्लिश स्पीकिंग का लेसन 4 है, जिसमें आज मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश स्पोकन सिखाने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। वह अचानक से मशहूर बन गई, कैसे कहेंगे? वह अचानक से मशहूर बन गई, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसको इंग्लिश में बोलेंगे सी सडनली बिकेम फेमस। सी सडनली बिकेम फेमस, प्रैक्टिस कीजिए। वह अपने कमरे में रो रही थी, वह अपने कमरे में रो रही थी, तो कैसे कहेंगे इंग्लिश में? सी वाज क्राइंग इन हेयर रूम। सी वाज क्राइंग इन हेयर रूम, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तीसरा देखते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखना, अपना अच्छे से ख्याल रखना, इंग्लिश में कैसे कहेंगे? टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, प्रैक्टिस कीजिए। कर लिया होगा। और देखते हैं। यह तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। सुझाव मीन्स मतलब सुझाव मतलब विचार। यह तो बहुत ही अच्छा सुझाव है, कैसे कहेंगे? दैट्स रियली अ ग्रेट आइडिया। दैट्स रियली अ ग्रेट आइडिया, प्रैक्टिस कीजिए एक दो बार। ओके, दूसरा देखते हैं। उसे जो डिब्बा मिला वह खाली था, कैसे कहेंगे इंग्लिश में? उससे जो डब्बा मिला वो खाली था। द बॉक्स ही फाउंड वाज एम्प्टी। द बॉक्स ही फाउंड वाज एम्प्टी, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, कर लिया होगा। दूसरा देखते हैं। दुल्हन अचानक से हंस पड़ी। दुल्हन अचानक से हंस पड़ी, कैसे कहेंगे? द ब्राइड सडनली लाफ्ड। द ब्राइड सडनली लाफ्ड, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अगला देखते हैं। उस आदमी ने मुझे सर पर मारा। उस आदमी ने मुझे सर पर मारा, इंग्लिश में बोलेंगे द मैन हिट मी ऑन द हेड। द मैन हिट मी ऑन द हेड, प्रैक्टिस कीजिए। अगला देखते हैं। इस दवाई का स्वाद बहुत कड़वा है। द मेडिसन टेस्ट बिटर। बिटर भी कड़वा होगा। द मेडिसन टेस्ट बिटर, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। उसके जूतों पर कीचड़ लगी हुई थी, तो कैसे कहेंगे? द मुड क्लंग टू हिज शूज। द मुड क्लंग टू हिज शूज, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं आप। उपन्यास, यह उपन्यास बहुत रोमांचक है। द नोवल इज वेरी एक्साइटिंग। द नोवल इज वेरी एक्साइटिंग, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। पेट अभी तक सूखा नहीं है। पेट अभी तक सूखा नहीं है। द पेंट पेंट अभी तक सूखा नहीं है, सॉरी पेंट अभी तक सूखा नहीं है, वही मैं कहूँ उसमें मतलब क्या समझ नहीं आ रहा। तो द पेंट हैजंट ड्राइड एट। द पेंट हैजंट ड्राइड एट, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। बरसात पूरे दिन होती रही। बरसात पूरे दिन होती रही, इंग्लिश में कैसे कहेंगे? बोलो आप। द रैन कंटिन्यूड ऑल डे। द रैन कंटिन्यूड ऑल डे, प्रैक्टिस कीजिए। यह पानी पिया नहीं जा सकता, कैसे कहेंगे? यह पानी पिया नहीं जा सकता। द वॉटर इज नॉट ड्रंक एबल। द वॉटर इज नॉट ड्रंक एबल, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, कर लिया होगा। हम जितने समय के लिए रुक जाते हैं उसमें आपको एक दो बार सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है, इससे क्या होगी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, बोलने की आदत पड़ेगी। जब बोलने की आदत पड़ेगी डेली बोलोगे तो अपने ऑटोमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग आपको आने लगेगी। नेक्स्ट देखते हैं। मेज पर बस्ता रखा हुआ है। मेज पर बस्ता रखा हुआ, देयर इज अ बैग ऑन द डेस्क। देयर इज अ बैग ऑन द डेस्क, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। यह गाड़ी जापान में बनी थी, कैसे कहेंगे? यह गाड़ी जापान में बनी थी। दिस कार वाज मेड इन जापान। दिस कार वाज मेड इन जापान, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। यह वर्षा ऋतु का मौसम है। दिस इज द मानसून सीजन। दिस इज द मानसून सीजन। दिस इज द मानसून सीजन, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। यह शब्द ग्रीक से आता है। दिस वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक्स। दिस वर्ड कम फ्रॉम ग्रीक, प्रैक्टिस कीजिए। देखो, कोई चीज़ है एक बार में कोई आदमी नहीं सीख सकता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये हकीकत है।
आप ट्राई करके देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, टॉम और मैं दोनों वहाँ रहेंगे। टॉम और मैं दोनों वहाँ रहेंगे। टॉम एंड आई विल बोथ बी देयर। टॉम एंड आई बोथ बी देयर। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, टॉम मुझे तुमसे बात करनी है। टॉम मुझे तुमसे बात करनी है। कैसे कहें, टॉम आई वेंट टू टॉक यू। टॉम आई वेंट टू टॉक यू। प्रैक्टिस कीजिए। तो अब जैसे आपको किसी और से बात करनी है, जैसे आपको अंकित से बात करनी है, नेहा से बात करनी है, या किसी और से बात करनी है, तो आप बोल सकते हैं नेहा मुझे तुमसे बात करनी है। तो इसको बोलेंगे नेहा आई वांट टू टॉक यू। ओके, बत्ती बंद कर दो प्लीज, या कृपया बत्ती बंद कर दीजिए। दोनों सेंटेंस एक होते हैं। हिंदी में अलग अलग तरीका से कहा जा सकता है, इंग्लिश में एक ही सेंटेंस होता है। टर्न ऑफ द लाइट प्लीज। टर्न ऑफ द लाइट प्लीज। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, हम सबके मजाक हम सब उसके मजाक पर हंसे। बी ऑल लाफ्ड एट हिज जोक। बी ऑल लाफ्ड एट हिज जोक। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, हमने उसका जन्मदिन मनाया। बी सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे। बी सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, बी डोंट हमें नहीं पता हम कहाँ हैं। हमें नहीं पता हम कहाँ हैं। कैसे कहेंगे, बी डोंट नो वेयर वी आर। बी डोंट नो वेयर वी आर। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, हमें अपना वादा निभाना चाहिए। कैसे कहेंगे, बी शुड कीप अवर प्रोमिस। बी शुड कीप अवर प्रोमिस। बी शुड कीप अवर प्रोमिस। प्रैक्टिस कीजिए। हम कहते हैं प्रैक्टिस कीजिए, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको बैठना नहीं, आपको बोलना है, और शर्माना नहीं, शर्म तो बिल्कुल नहीं करनी। अगर शर्माओगे तो कभी नहीं सीख पाओगे कोई भी चीज़ हो या कोई भी काम हो। अगर शर्म लगती है तो शर्म पूरा कर दीजिए एक तरफ, शर्म से कुछ नहीं होता। गलत बोलते बोलो। हमें अपना वादा निभाना चाहिए। कैसे कहेंगे, बी शुड कीप अवर प्रोमिस। बी शुड कीप अवर प्रोमिस। बोलिए, हमने उसका हिसाब लगा लिया। बी हैव गॉट दैट फिगर्ड आउट। बी हैव गॉट दैट फिगर्ड आउट। प्रैक्टिस कीजिए या बोलिए, आपको दो से तीन बार जरूर बोलना है, बोलोगे नहीं तो इंग्लिश नहीं आएगी। एंड अगर इंग्लिश सीखनी है इसको कीजिए, हम ये नहीं कहते हमारे चैनल, किसी भी चैनल पे आप कीजिए, और एंड उसके लिए इंग्लिश न्यूज़ पेपर डेली पढ़ना चाहिए आपको अगर इंग्लिश अच्छी करनी है। नेट देखते हैं, मेरी बात ने उसके अभिमान पर चोट पहुंचाई। व्हाट आई सैड हर्ट हिज प्राइड। व्हाट आई सैड हर्ट हिज प्राइड। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, इस पक्षी का नाम क्या है। कैसे कहेंगे, इस पक्षी का नाम क्या है। व्हाट डू यू कॉल दिस बर्ड। व्हाट डू यू कॉल दिस बर्ड। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे ऑर्डर का क्या हुआ। कैसे कहेंगे, जैसे हम कोई ऑनलाइन चीज़ मंगाते हैं, हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो हम बात करते हैं इसी तरीके से, हमारे ऑर्डर का क्या हुआ। तो इंग्लिश में कहेंगे व्हाट हैपेंड टू अवर ऑर्डर। व्हाट हैपेंड टू अवर ऑर्डर। प्रैक्टिस कीजिए। सारा ब्रेड कहाँ चला गया। नेक्स्ट देखते हैं, सारा ब्रेड कहाँ चला गया। कैसे कहेंगे इंग्लिश में, वेयर डिड ऑल द ब्रेड गो। वेयर डिड ऑल द ब्रेड गो। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, कपड़े बदलने का कमरा कहाँ पर है। ये तो हर समय आप कहीं रिश्तेदारी जाते हो तब भी बोलते हो, मतलब आपको बोलना पड़ता है, तो इसको बोलेंगे वेयर इज द चेंजिंग रूम। वेयर इज द चेंजिंग रूम। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो। वाई डोंट यू लिसन टू मी। वाई डोंट यू लिसन टू मी। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, बत्ती चालू कर दोगे क्या। कैसे कहोगे, विल यू टर्न ऑन द लाइट। विल यू टर्न ऑन द लाइट। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, आप गलत ट्रेन पर हैं। तो कैसे कहेंगे, यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रेन। यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रेन। प्रैक्टिस कीजिए।
नेक्स्ट देखते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये तो फेमस सेंटेंस है, कैसे कहेंगे? आ डे हैज 24 आवर्स, आ डे हैज 24 आवर्स। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, आप इसके हित में हैं या नहीं, कैसे कहेंगे? आर यू फॉर और अगेंस्ट दिस, आर यू फॉर और अगेंस्ट दिस। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, हम आखिरकार झील तक पहुंच गए, एट लास्ट वी गॉट टू द टी लेक, एट लास्ट वी गॉट टू द लेक। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, अगली बार अपनी बहन को भी साथ लाना, कैसे कहोगे? अगली बार अपनी बहन को भी साथ लाना, इसको इंग्लिश कैसे बोलेंगे? ब्रिंग योर सिस्टर नेक्स्ट टाइम, ब्रिंग योर सिस्टर नेक्स्ट टाइम। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्या तुम मुझे उड़ना सिखा सकते हो, क्या तुम मुझे उड़ना सिखा सकते हो, कैसे कहेंगे? कैन यू टीच मी हाउ टू फ्लाई, कैन यू टीच मी हाउ टू फ्लाई। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, कनाडा जापान से बड़ा है, कनाडा जापान से बड़ा है, कैसे कहेंगे? कनाडा इज लार्ज देन जापान, कनाडा इज लार्ज देन जापान। आप इसमें और किसी का भी नाम जोड़ सकते हो, अपने गांव का नाम जोड़ सकते हो। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा धीरे बोल सकते हैं क्या आप, थोड़ा धीरे बोल सकते हैं, जब कोई ज़्यादा तेज़ बोले या लड़ाई कर रहा है तो उससे क्या कहोगे? थोड़ा धीरे बोल सकते हैं आप क्या, कैसे कहोगे इंग्लिश में, कैसे कहोगे? कुड यू स्पीक मोर स्लोली, कुड यू स्पीक मोर स्लोली। वैसे भी उसको समझ में तो आएगा नहीं, लेकिन आपको बोलना है और दोनों सेंटेंस बोलने हैं, पहले इंग्लिश बोल दो फिर धीरे से हिंदी बोल दो, तो उसको समझ में आ जाएगा। अगला देखते हैं, तुम्हारे पास कॉक सॉक है क्या, तुम्हारे पास कॉक सॉक है क्या? डू यू हैव एनी सॉफ्ट ड्रिंक्स, डू यू हैव एनी सॉफ्ट ड्रिंक्स। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, आपको कहीं जाना है या तुम्हें कहीं जाना है, दो सेंटेंस हैं, हिंदी में दो तरीके से कह सकते हैं, इंग्लिश में एक तरीके से कह सकते हैं, कैसे? डू यू वॉन्ट टू गो समवेयर, डू यू वॉन्ट टू गो समवेयर। प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए आप एक दो बार बोलिए इसको, डू यू वॉन्ट टू गो समवेयर, डू यू वॉन्ट टू गो समवेयर, आपको कहीं जाना है। नेक्स्ट देखते हैं, सब टॉम के लिए दुखी थे, सब टॉम के लिए दुखी थे, एवरी वन फेल्ट सॉरी फॉर टॉम, या सब अंकित के लिए दुखी थे, कैसे कहोगे? एवरी वन फेल्ट सॉरी फॉर अंकित। नेक्स्ट देखते हैं, सभी उसकी अच्छाई करते हैं, सभी उसकी अच्छाई करते हैं, कैसे कहेंगे? एवरी वन स्पीक वेल ऑफ हिम, एवरी वन स्पीक वेल ऑफ हिम। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांस पश्चिमी यूरोप में है, कैसे कहेंगे इंग्लिश में? फ्रांस पश्चिमी यूरोप में है, फ्रांस इज इन वेस्टर्न यूरोप, फ्रांस इज इन वेस्टर्न यूरोप। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांस पश्चिमी यूरोप में है, फिर से डबल आ गया, फ्रांस इज इन वेस्टर्न यूरोप। नेक्स्ट देखते हैं, उसके अचानक से दरवाज़ा बंद किया, उसने अचानक से दरवाज़ा बंद किया, कैसे कहेंगे? ही क्लोज द डोर सडनली, ही क्लोज द डोर सडनली। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, वह लंबी सांस नहीं ले पाता था, वह लंबी सांस नहीं ले पाता था, कैसे कहेंगे? ही कुड नॉट ब्रेथ डीपली, ही कुड नॉट ब्रेथ डीपली। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, उसको तैरना नहीं आता, कैसे कहेंगे? उसको तैरना नहीं आता, ही डजंट नो हाउ टू स्विम, ही डजंट नो हाउ टू स्विम। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, उसने मुझे वह नियम समझाया, उसने मुझे वह नियम समझाया, कैसे कहेंगे? ही एक्सप्लेन द रूल टू मी, ही एक्सप्लेन द रूल टू मी। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, वह अपनी कब्र खोद रहा है, वह अपनी कब्र खोद रहा है, कैसे कहेंगे? ही इज डिगिंग हिज ऑन ग्रेव, ही इज डिगिंग हिज ऑन ग्रेव। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, वह हर रोज बेसबॉल खेलता है, वह हर रोज बेसबॉल खेलता है, ही प्लेज बेसबॉल एवरी डे, ही प्लेज बॉल, ही प्लेज बेसबॉल एवरी डे। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, उसने